जी मुजिमा की जानिब चलते हैं, अपना नाम बताइएगा। आमना। अच्छा आमना, आपकी शादी फरहान से कब हुई थी? माशाल्लाह 9 साल होने वाले हैं। बच्चे हैं? माशाल्लाह 3 बच्चे हैं। इस डिलीवरी बॉय का नाम बताइएगा और बताइएगा ये आपके साथ कांटेक्ट में कैसे आया? जो उनसे इसके अंदर एरिया था ना, उसके अंदर हमारा घर आता था। इसके पास मेरा नाम, घर का एड्रेस और नंबर इस थ्रू गया था कि मैं पार्सल मंगवाती होती थी और ये वहाँ का एक डिलीवरी बॉय था, इसने वहाँ से नंबर लिया था मेरा। कि मैं पार्सल मंगवाती थी फेसबुक से, जैसे फेसबुक लाइव सेशन होते हैं ना, वहाँ से किचन आइटम्स होगी, कौड़ियाँ ज्वेलरीज होगी, इस टाइप की चीज़ें मंगवाती थी। और इसके अलावा मुझे नहीं पता कि ये कब का मुझे पार्सल देने आया, इस बात का मुझे अभी तक इलम नहीं है। वो मर्डर से 11 दिन पहले मेरे घर आया था और वो जब घर आया था ना, तो उसने एंट्री पता किस ली थी, उसने मुझे कॉल किया था जो मैंने वाकई में पार्सल में ऑर्डर किया हुआ था। तो उसने मुझे फ़ोन किया, उसने मुझे फ़ोन करके कहा, अब मेरा वाकई में उस दिन पार्सल आना था। उसने मुझे फ़ोन किया कि मैम काइंडली नीचे आके अपना पार्सल रिसीव कर लें। मैं नीचे गई हूँ, मैंने दरवाज़ा खोला और दरवाज़ा खोलते साथ ही ना ये एकदम ही एंटर हुआ। जब ये एंटर हुआ ना, तो इसके हाथ में एक ब्लेड था, इसके हाथ में ब्लेड था जो कि पहले इसने मेरी कमर पर के पास रखा, फिर इसने मेरी गर्दन के पास रखा। और जब ऐसी हुई ना, तो इसने कहा यहाँ पर चीखने चिल्लाने की या तमाशे लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे साथ साथ बाहर 2 लड़के खड़े हैं, मैं तो थोड़े साथ यहाँ पर सब कुछ करूँगा, वो भी सब कुछ करेंगे। तो उसने मुझे ला के ना अपने पास बिठा दिया। उसके बाद उसने मुझे अपने पास बुलाया तो सर, उसने मुझे प्रॉपरली टच किया, प्रॉपरली उसने मुझे हाथ लगा और ना उसके दांत अजीब गरीब से थे, उसका खुलिया डाकुओं से भी बदतर था। और वो बहुत खुश था उस टाइम, बहुत खुश था, वो ना जानवर वाली हरकतें कर रहा था। और जब मैं रोती थी ना, जब वो मुझे हाथ लगाते थे, मैं रोती थी तो वो ना उस टाइम ना मुझ पर तशद्दुद करता था, सोर सोर की थप्पड़ लगाता था, कभी बाल नोचता था, कभी कभी जिसम नोचता था। इतनी दिन में ना मेरी बेटी ऊपर आ गई, काफ़ी खौफ था आगे, तो मैंने अपनी बेटी को ना इशारा किया कि नीचे अब्बू को बुला के लेकर आ। तो मैंने अपनी बेटी को ना आंख से ऐसे करके इशारा किया, मेरी बेटी फ़ौरन गई उसी टाइम में भागती भागती। अब्बू ऊपर आए हैं ना, जब मेरी बेटी ने अब्बू को जाके बताया और अब्बू ऊपर आया, तो अब्बू ने ना दरवाज़ा नॉक किया। और जब दरवाज़ा नॉक किया, मुझे आज भी उसकी आंखें याद है, उसकी आंखें एकदम ही ना ऐसे खौफ के साथ ऐसे फट गई। उस टाइम वो मेरे बिल्कुल सामने बैठा हुआ था, उस टाइम वो मुझे हाथ लगा रहा था, उसकी आंखें एकदम ही ना ऐसे खौफ के साथ ना फट गई। और वो उसने ना दौड़ लगा दी किचन से, किचन से वो टेरेस की तरफ गया और उसने टेरेस से जाके छलांग लगा दी। और जब मैंने दरवाज़ा खोला ना, तो वो भी काफ़ी गुस्से में थे, उनके से पता नहीं क्या चल रहा था। और फरहान के ऊपर और ना फरहान वीडियो कॉल के ऊपर थे पास ही अब्बू के पास, और फरहान और ना फरहान ने कहा कि बाबा आप इसको ना नीचे ले जाओ और ना इसको हमने वॉशरूम भी नहीं जाने देना, बस इसको जाके बिठा दो, मैं खुद ही आके से पूछता हूँ। और ना फरहान 10 मिनट के अंदर अंदर घर आ गए। और जब आए, उन्होंने ना मुझसे ना बहुत ज़्यादा शॉर्टली बात की। मैं उस दिन फरहान को बताना चाहती थी कि मुझे इतना कोई परेशान कर रहा है। मर्डर की रात हुआ क्या था बताइएगा? सर मर्डर की जो रात थी ना, वो मेरे लिए ऐसी थी कि फरहान ने मुझे कहा कि एसी ख़राब हो गया, आप ना रूम में जाके सो जाओ। इसी मेरा ख़राब हो गया था, अरमगान के रूम में जाके सो जाओ, मेरे देवर के रूम में जाके सो जाओ, मैं अपने देवर के रूम में जाके पोशन में जाके सो गई। और मेरे बच्चे भी मेरे साथ थे, मेरे 3 बच्चे। और उसके बाद सर मैं वहाँ पे सोई हुई थी और कोई फजर की अजान हो रही थी, तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ना दरवाज़ा नॉक किया ज़ोर ज़ोर के। मैं ना उनके दरवाजे के आगे लेटी हुई थी, गद्दा बिछा के बच्चों के साथ। तो मैंने ना दरवाज़ा खोला, तो ना फरहान की तबीयत काफ़ी ख़राब थी, तो मुझे कहते हैं मेरे साथ आओ काम जाना है। तो मैंने कहा आपको स्टमक का इश्यू है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैंने कहा आपकी तबीयत ठीक है? कहते हैं मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हमने काम जाना है, मेरे साथ आओ। उन्होंने सर वो मुझे नीचे लेके गया, उन्होंने सिर्फ फ्रंट का दरवाज़ा खोला, मैं दरवाजे में बैठी हूँ, गाड़ी में बैठी हूँ फ्रंट सीट के ऊपर, उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया और हम जाते जा रहे हैं। और 2 दफ़ा मैं रास्ते में सोई हूँ और मेरी आँख खुली और मैंने कहा फरहान आपकी तबीयत ठीक है? तो वो मुँह के अंदर ना कुछ पढ़ते जा रहे थे, जैसे कोई दरूद हो या कुछ हो, और वो मुझे कर रहे थे ऐसे ऐसे। और मैंने ना उस चीज़ को नोट ही नहीं किया, मैंने कहा इनकी तबीयत ख़राब है, हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, इनको मसला है। तो मैंने कहा कि मैं किसी को फ़ोन कर दूँ, उन्होंने ना मुझे इशारा किया नहीं, वो मुझसे तब बात नहीं कर रहे थे। और सर वो ना उन्होंने मांगा मंडी के पास लाए हैं वो, और मैं सोई हुई थी उस टाइम ना, एकदम ही गाड़ी रुकी है, जब वो गाड़ी रुकी है ना, उसकी स्पीड से ना मेरी आँख खुल गई, मैं सोई हुई थी, उसकी स्पीड से मेरी आँख खुल गई। फरहान पीछे गए हैं और पीछे जाके उन्होंने ना एक लंबी सी चीज़ निकाली, जब उन्होंने एक लंबी सी चीज़ निकाली ना, वो देख के मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन निकल गई। और वो रेस था, और उन्होंने उसको ना उसको लिटा के उसके ऊपर पेट्रोल डाल के उसके ऊपर आग लगा दी। मैं एक दिन खौफ ज़्यादा थी, मैं कहा खुदा के बंदे ये तूने क्या किया है? मैंने ना उस टाइम बहुत ज़्यादा शॉर्टली इनसे बात करना शुरू कर दी, मैं कहा तुझे खुदा का खौफ नहीं है, ये है कौन है? मैं कह ये क्या चीज़ है, कि क्या हुआ, ये क्या चीज़ है? तो उन्होंने मुझे कहा चुप चुप, सीधी होके बैठो, सीधी होके बैठो। फिर उन्होंने मुझे कहा
वो फराना रोना शुरू हो गए। उन्होंने कहा कि मानो ये वही है जो तुम्हें तंग कर रहा था। आप ये जो बयान दे रही हैं इसमें आपको मालूम है कि आप ये बता रही हैं कि मर्डर आपके हस्बैंड ने किया, इस मर्डर से आपको कोई लेना देना नहीं, आपके हस्बैंड फंस जाएंगे जो आपके मुताबिक आपसे बहुत प्यार करते हैं। एग्जैक्टली सर, अब जो सच है वो तो सच ही है ना, अब मैं झूठ तो नहीं ना कोई बोल सकती है। जी मुजिमा ये कह रही हैं कि इनको इस मर्डर के हवाले से कोई इल्म नहीं है, इनके हस्बैंड ने जो है जो डिलीवरी बॉय है उसको कत्ल किया और अपने साथ गाड़ी में डाल के लेके गए और मांगा मंडी के करीब एक मुकाम था जहाँ पर लाश को फेंक के उसको आग लगा दी। अपनी सास को बताऊंगी, अगर ये वक्त वापस आ जाए तो अपनी सास को बताऊंगी, सिम तोड़ दूंगी, फोन तोड़ दूंगी और अभी सास को कहूंगी कि फरहान को समझाए ये सब कुछ क्या कर रहा है लेकिन वापस नहीं आ सकता। जी नाजरीन, जब बड़ा भी जल्दी पहुंचेंगे तो तकरीबन आपको 45 मिनट लगेंगे। आपको 45 मिनट में आपको अपनी बैक सीट पर देखने का मौका नहीं मिला कि आपने अपने शोहर से ये सवाल किया होगा ये किस लाश को आपने लपेटा हुआ है। नहीं, मैंने बैग पे देखा ही नहीं, ना मेरे पास कोई बैग था कि मैं पीछे रखती, ना कोई सामान था, तो मैंने बैग पे देखा ही नहीं, ना किसी चीज की आवाज आई है, ना कुछ सांसों की आवाज आई है, ना कोई उखड़ने की आवाज है, कुछ भी नहीं, बिल्कुल प्लेन, सिर्फ फरहान और मैं थे गाड़ी में, बिल्कुल प्लेन, ऐसा कुछ भी। आपका छोटा बेबी भी आपके साथ था? जी। तो जब आपने आपके शोहर ने उसको उतारा है, उसके ऊपर पेट्रोल छिड़का है, तो आपने उस वक्त भी नहीं सवाल किया कि ये किसको उठा रहे हैं और किसको जलाने लगे? 2 सेकंड में सब कुछ हुआ, 2 सेकंड्स। 2 सेकंड में तो मैंने इनको कहा, मैंने कहा खुदा के बंदे ये कौन है, ये क्या हो रहा है? तो उसके बाद इन्होंने मुझे बताया, इन्होंने कहा कि मानो मुझसे गलती हो गई है। मैंने कहा ये था कौन? कहता ये वही था जो तुम्हें तंग करता था। तो कहते मैंने सिर्फ इसको इतना डराना था कि दोबारा इधर मुंह ना करता, लेकिन जो एक डंडा था ना वो उसके सीने के ऊपर लग गया था, जिस वजह से ना उस लड़के की माँ पर हमारे घर ही डेथ हो गई थी। और उसके बाद वो कहते कि मुझे कुछ समझ नहीं लग रहा था कि मैं इसके साथ क्या करूँ क्या ना करूँ, मुझे उस टाइम जो समझ लगा वो मैंने किया। कहते मानो मैंने जान के नहीं किया, मुझसे डरो ना। और मैं बहुत ज्यादा उस वक्त आपने देखा कि आपके शोहर की आंखों में खून उतरा हुआ है। Exactly. और मैं फरहान से भी बहुत ज्यादा उस टाइम डर रही थी, तो उन्होंने कहा मुझसे डरो ना, ऐसे हो गया, बस उन्होंने मुझे कहा कि मुझसे हो गया, मैंने सिर्फ उसको डराना था, लेकिन वो डंडा उसके सीने पे लग गया। इससे पहले राइडर आपसे पैसे और ज्वेलरी भी ले जा चुका है? यस सर, जब वो हमारे घर एंटर हुआ था उस टाइम। तो क्या वो राइडर आपके घर में सिर्फ एक मरतबा एंटर हुआ है या उससे पहले भी कभी आता जाता था कुछ सामान देने या आपसे मिलने के बहाने या जबरदस्ती आने की कोशिश इसके अलावा भी कभी की? सर वो सामान देने आता था या नहीं आता था इस बात का मुझे इल्म नहीं है, मैं उसको नहीं जानती थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं है कि वो सामान देने आता था कि नहीं आता था, लेकिन वो मेरे घर में एंटर कभी भी नहीं हुआ। आपके घर में सामान मंगवाने वाला और तो कोई है नहीं? आपने बताया कि मेरी जो नंद है या मेरी जो भाई बहन भाई हैं उनके आपके शोहर के, वो तो कोई मंगवाते नहीं, आप ऑनलाइन शॉपिंग करती हैं? मैंने कभी भी नहीं कहा, सारे मंगवाते हैं। उसके पास हमारे घर के पूरे जितने भी घर के लोग थे उन सबका नंबर था, जिससे वो मुझे ब्लैकमेल करता था कि मैं तुम्हें अपने साथ बदनाम कर दूंगा, तुम मानती हो कि नहीं मानती। तो आपने अपने हस्बैंड को इत्माद में क्यों नहीं लिया कि आपको अपने शोहर पर इतना इत्माद नहीं था कि आप उससे खुलकर बात करती तो वो आपका मामला इस हद तक ना पहुंचता? हाँ जी ये बात है, मैं उनसे बात नहीं शेयर कर पाई, उनसे तो क्या मुझे चाहिए था। अब मैं आके ये बात सोचती हूँ कि चलो मैं उनके साथ नहीं कर पाई तो कम से कम अपनी सास, मेरी सास का बिहेवियर बहुत अच्छा तो कम से कम अपनी सास के साथ शेयर कर पाती, लेकिन मैं अपनी सास के साथ भी बात शेयर नहीं कर पाई। ठीक है, अम्मा के साथ नहीं कर सकती थी, हस्बैंड के साथ नहीं कर सकती थी, लेकिन कम से कम मुझे उनके साथ किसी एक बंदे के साथ शेयर कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैं नहीं कर पाई। आपने अपनी किसी बहन के साथ, अपनी वालदा के साथ? बहन आई नहीं, नहीं है। वालदा मम्मा है, मम्मा के साथ बात शेयर कर लेनी थी? मम्मा के साथ रहने दो, मम्मा जितने गुस्से में होती है ना हर टाइम, मम्मा ज्यादा गुस्से वाली है, बहुत ज्यादा गुस्से वाली है, अभी तक 3 बच्चे हो गए, अभी भी मार पड़ती है मुझे। अगर वक्त वापस चला जाए तो आप उसमें क्या बेहतरी सोचती है, क्या कर सकेंगी आप बेहतर? उस टाइम तो मैं फरहान को खींचूंगी, फरहान तो उसे कत्ल कर चुका था, फरहान को बताएंगी या फरहान तो उसे कत्ल कर चुका था जब आपको दोबारा उसने बताया, वो तो डेड बॉडी लेके जा रहा था। आपने कहा अगर ये वक्त वापस आ जाए तो आप क्या करोगे? तो आई थिंक अपनी सिम तोड़ दूंगी या फोन तोड़ दूंगी, उस टाइम कुछ ना कुछ तो करूंगी। आपको उसके साथ हंस के बात नहीं करनी चाहिए थी, इससे लोगों का हौसला बढ़ता है।
ठीक है, उसने गलत बात की थी, आप उसको शटअप कॉल देती, आप बंद कर देती, लेकिन आप हंसी, वो भी उसने उसका हौसला बढ़ा होगा। अब दूसरी बात यह है कि जब आपने शोहर को नहीं बताया, अब जब बता दिया, उसके बाद शोहर ने फिर क्या किया? उसके बाद हमने शोहर से पूछा, उसके बाद मुझे आइडिया नहीं है, क्योंकि साथ थी ना, नहीं उसके बाद मैं घर आ गई ना। हाँ, जब वो गाड़ी में लेके गई थी तब मैं उनके साथ ही थी। नहीं, दोबारा आपके शोहर ने उसको घर बुलाया? आपने, मेरे शोहर ने उसको अपने घर नहीं बुलाया, उसको इश्क का खुमार चढ़ा हुआ था, उसको खुमारी चढ़ी थी, मैंने आने, वो पिछले 10 दिन से परेशान कर रहा था, कभी किसी मैसेज से, कभी किसी नंबर से, कभी किसी नंबर से, अभी उसका एक फोन हमारे घर में था, पता नहीं उसे कितने को फोन रखे मेरे। हाँ जी, वो परेशान कर रहा था वो, और फोन मेरे शोहर के पास था। डायरेक्टली उसको फोन करके ये नहीं कहा कि भाई तुम क्यों इस तरह की हरकत कर रहे हो, मेरी बीवी को तंग कर रहे हो? आप मेरे शोहर से ये बात पूछ लें। चले, हाँ वो पूछ लेंगे। अच्छा, फिर उसके बाद वो उसको बकौल आपके कि वो आना चाहता था वहाँ पे? हाँ जी, उसको बहुत ज्यादा इश्क की कुमारी चिड़ी थी, मैंने आना, मैंने मिलना। अच्छा, फिर जब मिलने के लिए बुलाया शोहर ने, घर पे बुलाया, उस वक्त आप किधर थी? अपनी देवरानी के रूम में। देवरानी के रूम में, और उसके बाद फिर क्या हुआ? मैं नहीं जानती। फिर जब आपकी शोहर ने आपको बुलाया तब क्या कहा? हाँ जी, 3:30 या 4 बजे का कोई टाइम था, 3:30 या 4 बजे का कोई टाइम था। तो उसके बाद फराने ने कहा कि मुझे जाना है, मैंने कहा कि तबीयत खराब है, कहते नहीं बस मुझे जाना है, मेरे साथ आओ। मुझे था कि इनको कोई मसला हुआ है, कोई स्टमक का, इनको स्टेर किस्म का मसला हुआ है, मुझे यही था। तो मैंने कहा हम हॉस्पिटल जा रहे हैं, कहते नहीं तुम बस मेरे साथ आओ। मैं इनके साथ फ्रंट सीट के ऊपर आगे बैठी हूँ, और ये मेरे साथ आगे ड्राइविंग सीट के ऊपर ये बैठी है, फ्रंट सीट के ऊपर मैं बैठी हूँ, और हम चलते जा रहे हैं। पीछे गाड़ी में आपको नहीं पता क्या चीज पड़ी हुई? नहीं सर, आपने ध्यान नहीं दिया? नहीं, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। और इतना टाइम हो रहा था, फजर की अजान हो रही थी, और मैंने कहाँ लेके जा रहे थे? मुझे नहीं पता, वो चली जा रहे थे, और मैं रास्ते में 2 दफा सो गई थी, इस बात का मुझे बिल्कुल पता नहीं। और मैंने 1 दफा उठ के कहा कि हम किधर जा रहे हैं, तो उन्होंने मुझे इशारा करके कहा, मैंने कहा कि तबीयत ठीक है, मैं कहा तबीयत ठीक है, फोन करूँ मैं किसी को बुलाऊं? तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि नहीं, उन्होंने मुझे ऐसे ऐसे किया सा इशारा किया कि किसी को नहीं बुलाना, मैं ठीक हूँ। और उसके बाद वो कुछ मुंह में पड़ते जा रहे थे, कुछ मुंह में जैसे कोई दवा होती है या कोई दूसरी होता है, ऐसे वो पड़ते जा रहे थे। और उन्होंने मैं सो गई, उन्होंने एक जगह पे गाड़ी रोकी, और गाड़ी काफी स्पीड से रुकी, और जब वो स्पीड से गाड़ी रुकी तो उस स्पीड से मैं उठ गई, और जब मैं उठी तो मैंने देखा कि फौरन ये पीछे गए हैं, ये राइट साइड पे, और राइट साइड पे गए हैं, इन्होंने एक लंबी सी चीज निकाली, और जब वो चीज निकाली तो उस टाइम मेरा दिल वहां पर ही बैठ गया, मैंने पांव के नीचे से उसी टाइम ही जमीन निकल गई। उन्होंने मुझे एकदम ही फेंक दिया, विद इन सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर, सिर्फ 2 सेकेंड्स के अंदर ये पूरा माजरा हुआ, पूरा माजरा। फिर उन्होंने फिर गया पेट्रोल डाला 2 सेकंड के अंदर, और उसके बाद आग काट दिया। आग वो जब उछली है ना, जो मैंने वो सीन देखा था, तो वो उछल के इनको पड़ रही थी उल्टा, वो उछल के उल्टा इनके पास आ रही थी, फरहान के पास, क्योंकि मैं तो गाड़ी में थी, और फरहान वो घबराए थे, वो डरे हुए थे, और वो गाड़ी में बैठ गए। अब जब गाड़ी में बैठ गए ना, तो मैंने कहा खुदा के बंदे ये तूने क्या किया, ये क्या है? क्योंकि मुझे था कि इसने किसी को मार दिया या कुछ हो गया या कोई चीज ला रहा है। मैंने इसको कहा खुदा के बंदे तूने क्या किया, ये क्या है? तो इसने रोते हुए मुझे बयान किया, इसने कहा मानो ये रईस है। मैंने कहा कौन रईस? इसने कहा कि वही लड़का जिसे तुम्हें हाल लगाया था, जिसने परेशान किया था। मैंने कहा तूने उसका ये हाल करना था, जिसके मेरे दरमियान उस टाइम ये बात हुई थी? तो उसने कहा कि मानो मुझसे ना गलती हो गया, कहते मैं इसको मारना नहीं चाह रहा था, मैंने उसको आने की बहुत शिद्दत पड़ी थी, वो आया ढंग मन कराया, मैंने इसको मारना नहीं था, मैंने इसको इतना मारना था कि मैं उसको डरा देता कि वो दोबारा किसी कुड़ी की तरफ मुंह ना करता। लेकिन ना मैंने इसको जब मारा ना, तो एक डंडा उसके सीने के ऊपर लगा और उसकी उधर ही डेथ हो गई, और मुझे बिल्कुल समझ नहीं आई कि मैं क्या करूं, और मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं उस टाइम क्या करूं क्या ना करूं। और फरहान ने सब कुछ कर दिया, और मेरा रिएक्शन बहुत ज्यादा उखरा उखरा था, मुझे उस टाइम बिल्कुल भी सांस नहीं आ रही। के बाद फिर कितनी देर बाद पुलिस ने आप लोगों को पकड़ लिया? पुलिस हमारे घर आ गई थी कोई 12 घंटे बाद, 15 घंटे बाद पकड़ लिया आपको पुलिस ने जी। और जब पुलिस ने पकड़ा तो मैंने उनको पहले ही मैंने उनके साथ 2 कमिटमेंट ली थी, एक मुझे कोई हाथ नहीं लगाएगा,
अरे मुझे कोई गाली नहीं निकालेगा, मैं सारी बात आपको बताती हूँ। ये दो मेरी उनके साथ कमिटमेंट हुई थी, दो और पुलिस के साथ है। और मैंने एक बात उनको की थी कि मैंने बचपन से सुना है कि पुलिस वाले बहुत गंदे होते हैं, तो मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं करेगा सर। जो हम फिल्मों में देखते हैं, जो ड्रामो में देखते, मैंने ये दो बातें सारा की और मैंने इनको सारा प्यार कर दिया। हर जगह अच्छे लोग भी होते हैं, बुरे भी हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में अच्छे लोग भी हैं, तो इसलिए। और उसके आधे घंटे मैंने इनको ए टू जी सारा बयान कर दिया, जैसे मैं यहाँ पे सर को बयान कर रही हूँ, ए टू जी साइड बार बयान कर दी। और उसके बाद आधे घंटे बाद में फर टू जी साइड बार बयान कर दी। और उसके बाद आधे घंटे बाद में फरहान ने इस बात को एडमिट किया कि सब कुछ जो भी किया है ये सब कुछ मेरे से हो गया है, मैं उसको ऐसा करना नहीं चाह रहा था, लेकिन उसकी जान वहां पर नहीं निकल गई। अब यहाँ पर सारे सारे मामले में आपको नहीं लगता कि कहीं आप पहले उसका नंबर ब्लॉक कर देती हैं? सर मैंने इसके कितने नंबर ब्लॉक किया, बता देती हैं? इस लेवल तक बात ना जाती तो शायद आप आज आप यहाँ पर ना होती, आपके शो में वो भी जिंदा होता बेचारा। यस सर, लगता है ना सर, कि बेचारा तो बिल्कुल भी चले वो गलत है, हम मान लिया, हम कहेंगे कि वो आप बिल्कुल नहीं, हम ये कहेंगे कि अगर उसने बुरे काम का बुरा अंजाम होता है, बुरे वो अकेले का अंजाम, लोग कह रहे हैं, लोग बताओ क्या पूछ रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं वो अकेला ही बुरा नहीं था, लोग तो वही भी कह रहे हैं कि आपने उसका हौसला बढ़ाया, आप ना बढ़ाती आप ना बढ़ाती हौसला तो उसकी इतनी हिम्मत ना होती, ना आपका घर खराब होता, ना आपके हस्बैंड अंदर होते, ना वो दुनिया से जाता। आई एम राइट और रॉन्ग? यस सर। सर मैंने उसका कोई हौसला नहीं बनाया, एक इंसान की हंसी निकल गया, उसको आप इतना बड़ा इशू बना दो, तो इसमें मेरा और आपका कोई कसूर नहीं है। वही कह रहा हूं, चार महीने का आप कह रही है ना, चार महीने तक तंग करता रहा, फिर नंबर पे कॉलिंग करता yes, था sir. फिर वो घर आया, फिर घर में भी आपने किसी को, पहले उस वक्त आप ससुर को शोर कर देती, अगर आप नुकसान पहुंचाता तो बंदे की इज्जत से बढ़ के कोई चीज नहीं होती, आप शोर कर देती, वो आपके ससुर बाहर आ जाते, उसको पकड़ लेते, आप भी बच जाते। सर आपने उसका हुलिया देखा है? उसका हुलिया डाकुओं से भी बदतर था। चले वो हुलिया उसके बाद डाकुओं से भी बदतर था, लेकिन आप सही कह रही हैं कि इस चीज का ये तो एहसास है ना कि इस सिचुएशन से आप बच सकते। यस सर, ये आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, यहाँ पर बस मेरा ये मकसद होता है कि अपने तमाम व्यूज को दोनों पहलुओं बताऊं। यहाँ पर इन्होंने जो बता दिया, लोगों के सवाल ये थे कि इन्होंने इससे दोस्ती की क्यों की, और अगर ऐसा था तो फिर इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था जो मामलात हुए, पर बचे इस तरह के मामलात से, ये कितना सच बोल रही है कितना झूठ बोल रही है ये आप लोग खुद अंदाजा लगा सकते हैं, आप खुद देखिएगा अगर आपको बेहतर लगता है। बाकी इन्वेस्टिगेशन आईजी साहब के अहकाम पर मेरिट पर हो रही है, और अगर ये गुनाहगार होंगी तो डेफिनेटली इनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और अगर ये मामला इसमें इनका कोई ऐसी इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो फिर उसी के मुताबिक इनसे बर्ताव किया जाएगा। बहरहाल लेकिन जो हुआ वो गलत हुआ, इनको जो कॉल इन्होंने अटेंड की या जो कॉल्स आती थी या जो बात हुई इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, इनकी जो उससे जो बढ़ावा दिया गया उससे वो भी ज्यादा, इस चीज तरह नौजवानों को भी चाहिए कि वो शादीशुदा लोगों की जिंदगी में दखलंदाजी ना करें, और जो शादीशुदा लोग हैं उनको भी चाहिए कि ऐसे मामला में ना पड़े, कि तो अंजाम ऐसा ही है जैसा कि आपने देख लिया। वो लड़का तो आप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसके जो घर वाले हैं डेफिनेटली उनका ये कहना है कि ये लड़की इतनी अच्छी थी तो पहले बता दी थी, पांच छह महीने तक क्यों मामला चलते रहे। तो ये सारे सवाल मैंने इनसे पूछ लिए, ये कितना सच कह रही है कितना झूठ कह रही है ये तो वक्त ही बताएगा और आप लोग बताएंगे। मतलब इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल फरमाए और इस तरह के मामलात से अल्लाह ताला हमें बचाए। लेकिन एक चीज उन्होंने जरूर कन्फेस की है कि इस सारे मामले से बचा जा सकता था अगर ये उससे पहले स्ट्रिक्टली जो शोहर को बाद में बताया वो पहले बता देते। आई एम राइट अराउंड? जी। तो आज सिर्फ यही था कि मतलब लोग क्या कहेंगे, लेकिन आपसे लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, मुझे सिर्फ ये था। अभी आपको पता है ना लोग क्या कह रहे हैं? बहुत कुछ कह रहे होंगे। बहरहाल जी, इस दुआ के साथ के लगता हम सब पर रहम करो और फजल फरमाए, ऐसे मामला से अल्लाह हमें बचाए। मुझे जा दीजिए, अल्लाह हाफिज़।